अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप अपनी वीडियो या फ़ोटो किसी भी चीज़ की, कोई पौधे वगैरह की या जो सब्ज़ी वगैरह होती है इनकी, ऐसी तस्वीरें लेनी है कि जैसे ये प्रोफेशनल लगे, आप वो काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं ईजीली। तो ऐसी वेबसाइट मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर आप अपनी वो तस्वीरें और वीडियो अपलोड करके उनसे अच्छे खासे डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप वहाँ पर अपनी उस वेबसाइट पे पिक्चर या वीडियो जो है अपलोड करोगे तो वो कोई भी डाउनलोड करेगा तो उसके आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको वो वाली साइट बताने लगा हूँ। और उसके लिए ये ज़्यादातर काम लोग बताते हैं वेबसाइट की जो है कंप्यूटर पे बताते हैं कि कंप्यूटर पे किस तरह काम करना है। तो मैं आज आपको ये सब कुछ मोबाइल पर करके दिखाऊँगा और बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी जो है ब्राउज़र वो ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको ये वेबसाइट बताने लगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये विदाउट वेबसाइट आपने कैसे इसका काम करना है, ठीक है? आपने उसका नाम सुना होगा साइट का, जो है शटरस्टॉक, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं इसका सफारी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शटरस्टॉक, ठीक है? ये लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आएगी शटरस्टॉक बस, ठीक है? लेकिन हमने इस पे काम नहीं करना। हमारी जो वेबसाइट है जिस पे हमने अपलोड करके चीज़ें पैसे कमाने हैं उसके लिए वो दूसरी शॉट है, वो साइट है, ठीक है? तो वो कैसे आपने देखनी है, अगर ये देखें अभी ये ऊपर सबसे पहली साइट है shutterstock.com, ठीक है? इस पर हमने नहीं जाना। हम जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये एक दूसरी साइट आ रही है, शो हो रही है shutterstock.com के नाम से ही, लेकिन इसके नीचे ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर, ठीक है? तो कंट्रीब्यूटर पे हमने क्लिक कर लेना। जब कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो जैसे ही ये साइट ओपन होगी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना, ठीक है? फुल नेम लिखना है आपने, डिस्प्ले नेम लिखना है अपने, यूज़र नेम वगैरह जो भी होता है, ईमेल और पासवर्ड बनाना है अपना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना पहले बना लेता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह लिख लिया, अपना फुल नेम भी लिख लिया, ईमेल और पासवर्ड भी लिख लिया। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे हम। तो उसके बाद आपके जो ईमेल है वहाँ पे आपका जो है इसका OTP या कोई लिंक जाएगा जहाँ से आपने इसको कंफर्म करना है, ठीक है? तो मैं अभी इसको पहले कन्फर्म कर लेता हूँ। तो ये शटरस्टॉक का मेरे पास वेरीफाई ईमेल आया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना।
तो ये हमारा अभी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट जो है, ये है हमारा दूसरा अकाउंट। अभी यहाँ से हमने क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है आपने, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान कर लिया आपने, अपना एड्रेस देना है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। अपने शहर का पोस्ट कोड डालना है आपने, स्टेट कौन सी आपने वो लिखना है, और नीचे अपना मोबाइल नंबर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये अभी हमारा जो अकाउंट है वो पूरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा जो है, वेलकम टू कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे कोई भी वीडियो या जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है, कौन कौन सी है, कौन सा फॉर्मेट आपने अपलोड करना है, ठीक है। गॉट इट पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं इसका चूज़ फाइल करता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरे पास ये एक दो वीडियो ये पड़ी हुई हैं, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की हुई हैं, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे देख सकते हैं, ये अपलोड हो रही है। अब जब कंप्लीट हो गया उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना आपने। अभी वो बोल रहा है यहाँ पे आपने ऐड डिटेल करनी है, ठीक है। ऐड डिटेल एंड सबमिट योर वर्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट एडिंग पे कर देंगे। इसके बाद ये जो हमने वीडियो अपलोड की है, इसके साथ ये तीन डॉट बने हैं, इस पर क्लिक करके तो सी लार्ज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, नहीं तो इस पर हम क्लिक करके एक दफ़ा देखते हैं ओपन होती है कि नहीं। अभी ये देखिए, हमने इस पर क्लिक किया और साथ में ये देखिए, अभी यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये कमर्शियल में है या एडिटोरियल में है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है किस कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी टू जो ऑप्शनल है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है इतना। तो नीचे ये मोर ऑप्शन एज नीडेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने वो सब कुछ आपने फिल कर देना है। तो उसके बाद ये नीचे कीवर्ड भी मांग रहा है यहाँ पर, और ये नीचे सारे कीवर्ड भी आए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारे खुद बहुत ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये सारे खुद बहुत ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अगर मेरे यहाँ पे अभी वो एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें फिल नहीं की, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। अभी वो बोल रहा है प्लीज एट लीस्ट 5 वर्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने कम से कम 5 लफ्ज़ लिखने हैं, 5 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख देते हैं। अभी यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे, तो ये देख सकते हैं कंटेंट सबमिटेड, ठीक है। अभी ऊपर से ये कर देते हैं हम कैंसिल। अभी हमारी वो जो है चली गई है पेंडिंग में, ठीक है। अभी ये सब कुछ मैंने आपको करके दिखाया मोबाइल के स्क्रीन पे जाके वेबसाइट में, ठीक है। अभी इसकी एक एप्लीकेशन से भी आप इजीली जब अपना अकाउंट बना लेंगे वेबसाइट पे जाके, उसके बाद आपने अपने प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में चले जाना है। वहाँ पर जाके सर्च में जाके आपने लिख देना है कंट्रीब्यूटर, नहीं तो शटरस्टॉक लिख लीजिएगा। तो ये देखिए शटरस्टॉक जब लिखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका
इंटरफेस है, ठीक है, ये इसकी पिक्चर है, इसका जो भी वॉलपेपर लगा हुआ है जिसका, इसको आपने कर लेना डाउनलोड। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ज़रा अच्छे से समझ लग जाएगी, क्योंकि मैं इसमें से कुछ भी काट के आपको नहीं दिखा रहा, सब कुछ जैसे है वैसे का वैसे ही आपको डिटेल दे रहा हूँ, सब कुछ वैसे का वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको ही हेल्प होगी। अभी हम इसको कर लेते हैं ओपन, यहाँ से हम इसको लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जो आपने अपना यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड बनाया था वही आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया, यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये अभी वेब जो एप्लीकेशन है वो भी ऑन हो चुकी है हमारी। अभी जो हमारा वहाँ पे पेंडिंग में था वो वहाँ हमारा इस ऐप में भी हमें पेंडिंग में शो होगा। और जब आपकी कोई भी पिक्चर या जो भी है वो वीडियो वगैरह आपकी जब रिव्यू या पेंडिंग में जाएगी तो वो आपसे 5 या 7 दिन का टाइम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से 5 दिन का टाइम होता है। उसमें वो सब कुछ देखेंगे, उसमें वो ये बताएंगे कि आपका जो है वो पिक्चर या वीडियो में कुछ ऐसा ना शो हो जो भी किसी भी कॉपीराइट को मतलब को नेट कॉपीराइट में आ जाए, मतलब कि आपने अगर पिक्चर अपलोड करनी है उसमें कोई भी वर्ड ना नज़र आए इंग्लिश का उर्दू का कोई भी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में भी यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पर लोडिंग हो रहा है मेरा, ठीक है। ये इसका मेन पेज होगा, अभी यहाँ पे वो अपलोड पिक्चर है, ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा अपलोड इमेज नाउ। ओके, जब ये इस एप्लीकेशन से आप करोगे अपलोड तो यहाँ से आपको वीडियो का जो ऑप्शन है वो बहुत कम नज़र आएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको पिक्चर का ही नज़र आएगा, और वीडियो वैसे भी आप कोई भी बना के इतनी बड़ी तो अपलोड कर नहीं सकता, लेकिन पिक्चर में ज़्यादा स्कोप है, वो ज़्यादा लोगों जो है वो उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये देख सकते हैं ऊपर अनपेड एंडिंग 00 अभी लिखा हुआ है कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग वगैरह सब कुछ आएगा। तो जो भी आप वीडियो वगैरह अपलोड करोगे तो वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में शो नहीं करेगा। अगर आपने वीडियो वगैरह अपलोड करनी है तो उसके लिए आपको जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सब कुछ उसका नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर आप पिक्चर ज़रूर अपलोड कर सकते हो ईज़िली। और वहाँ से इसका ये अपलोड करने पे यहाँ पे स्टार्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये पेंडिंग में चले जाएगी और 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिव्यू करके बता देंगे कि आपकी पिक्चर अप्रूव हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये आज की इतनी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर ये सच आपको लग रहा है कि ये कुछ झूठी है या कोई फेक चीज़ है तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर और भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे भी जाके इस वेबसाइट के बारे में आप पता कर सकते हो। ये 100% ओरिजिनल वेबसाइट है और ये आज से नहीं बहुत सालों से ये काम कर रही है, ठीक है। तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मेरा तो मशवरा यही है कि विदाउट ये जो आप बोलते हो ना कि गेमें वगैरह खेलें या एप्लीकेशन कोई मिल जाए ऐसी, उसमें आपको रिस्क होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिस्क वगैरह बात कोई नहीं है, ईज़िली आप अपना काम कर सकते हो इस पर और आसानी से अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।